बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आई होप आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में चिकन मंचूरियन, जो कि बनाना बहुत आसान है। आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा आखिर तक। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास चिकन था बोनलेस, जो कि मैंने धोकर रख लिया था। इसके अलावा मुझे चाहिए इसमें चिली सॉस, और ये जो चिली सॉस है आप कोई भी चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए इसमें विनेगर, और विनेगर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी विनेगर यूज़ कर लें जो आपके पास मौजूद है। इसके अलावा मुझे चाहिए सोया सॉस, और इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर के अलावा मुझे चाहिए 1 चम्मच मैदा। तो हम जो है सबसे पहले इसका मैरिनेशन करेंगे, और मैरिनेशन के लिए जो है वो हमें कुछ स्पाइसेस भी यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। और उन स्पाइसेस में हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले स्पाइसेस की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नमक चाहिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून जो है वो नमक ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नमक जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर हमने ग्रेवी में भी कुछ नमक शामिल करना है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इसके अलावा यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है, और ये भी मैं 1/2 टीस्पून ही लूँगी, और इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगा। यहाँ पर मेरे पास विनेगर है, और विनेगर को आपने है वो भी आपने यहाँ पर 1 टीस्पून लेना है। ये है हमारे पास चिली सॉस, ये वाला ऐड कर लेते हैं। तो ये है जी मेरे पास चिली सॉस, और चिली सॉस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो आपने 1/2 टीस्पून लेनी है। ज़्यादा सोया सॉस से कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है मंचूरियन का, तो इसलिए इसको आपने बस इतना सा लेना है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई जो कि हमने इसके अंदर ऐड की हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इसको हमने अभी 10 मिनट के लिए इन्हीं चीज़ों के साथ छोड़ देना है, और बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। जी तो 10 मिनट जो है वो हो चुकी हैं इस चिकन को रखे हुए, जिसमें कि हमने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं आपके सामने, और इसके अलावा कुछ सॉसेस ऐड करे हैं। अभी जो है वो हम यहाँ पर आकर के यहाँ मैदा है, और ये आपने मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, तो 1 चम्मच मैदा जो है वो आपके लिए काफ़ी होगा। और इसके अलावा ये हमारे पास जी कॉर्नफ्लोर है, और कॉर्नफ्लोर को भी हमने इसी तरह 1 टेबल स्पून हमने मैदा डाला है, और तकरीबन हम 4 टेबल स्पून जो है वो इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, और ये 2 हो गया, शामिल कर देते हैं। एक अदद अंडे के अलावा यहाँ पर इसमें हमने सब चीज़ें डाल दी हैं, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो आप इसमें जो है वो गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए, और 1 टीस्पून ही आप इसमें जो है वो जिंजर पेस्ट जो है वो ऐड कर लीजिए। इसको हम 1/2 कर लेंगे, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों भी आप इसमें ऐड कर लें। 500 ग्राम चिकन को मैंने यहाँ पर सब जितने सॉसेस थे और जितने स्पाइसेस थे वो सब मैंने डाल दिए हैं। आधे घंटे के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। जी तो हमारी मैरिनेशन जो थी उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया, और इसको आपने खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। कुछ लोग इसको शैलो फ्राई करते हैं, और लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करूँगी। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसको इस तरह
से फ्राई करके अलग से प्लेट में निकाल लिया है, और आप इस तरह से आप भी इसको फ्राई करके अलग से प्लेट में निकाल। बर्तन रख लिया है, आप जो है वो तकरीबन 2 चम्मच जो है ऑयल लेना है वो मैंने ले लिया है, और इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आप इसको हल्का सा फ्राई करें, आपने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। आपने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, 1/2 टीस्पून के करीब है तकरीबन ये अदरक, और 1/2 टीस्पून के ही करीब, 1/2 टीस्पून से भी कम है, बस थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट है जो मैंने इसमें शामिल किया है। आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें, हरी प्याज का सफ़ेद पार्ट है मेरे पास जिसको मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल के अंदर, थोड़े से ऑयल के अंदर, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो शुगर शामिल कर ली है, ये 1 टीस्पून शुगर भी शामिल हो गई। मैंने ये प्याज इस तरह की शेप में कुछ काट कर रखे हुए थे, और बड़ी बड़ी शेप में आप भी इस तरह से चकोर सी शेप में जो है वो एक छोटा प्याज ले लें और उसको काट कर वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो है वो भी मैंने बड़े बड़े इस तरह के चकोर पीसेस में काट के रखे थे वो भी आप इसमें शामिल कर दें। 1 टीस्पून के बराबर है ये सोया सॉस, ये मैं इसमें डालूँगी, चिली सॉस है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और जो है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सिरका है सफ़ेद सिरका, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 स्पून के बराबर जो है वो काली मिर्च का पाउडर लूँगी, और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से, आपने जितनी भी इसके सॉस जो है आपने जितनी ज़्यादा बनानी है, थोड़ी बनानी है, और आप थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा मंचूरियन पसंद करते हैं या पतला करते हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो ये मैंने अपने हिसाब से जो है इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी जो है वो शामिल कर दिया है, और पानी शामिल करते साथ ही आप इसके अंदर तकरीबन, ये मेरे पास 1 कप टमाटो केचप है और ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब आप इसको ढाँप दीजिए और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको मीडियम हीट पर पकाइए। तो तकरीबन इसको पकते हुए जो है वो तकरीबन 7 मिनट, 5-7 मिनट के लिए मैंने इस कप के अंदर तकरीबन 4 चम्मच खाने के जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल के रखा हुआ था, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इसको उंडेल दूंगी, और फिर 7-7 चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि हमारा जो सॉस है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो इसके लिए आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर इसको उंडेलना है, और साथ साथ आपने कंसिस्टेंसी जो है उसको चेक करते जाना है कि आपको कितना गाढ़ा सॉस चाहिए। अब इस सॉस के अंदर जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने जो चिकन रखी थी फ्राई करके, अब आप ये चिकन इसके अंदर डाल दें। इसका बहुत जो है वो हम इसको दम पे लगा देंगे। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। और भारी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस वक्त पे, और अब हम हमारा मज़ेदार मंचूरियन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। मज़ेदार सा
तो ये है जी हमारे मंचूरियन की फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी इस तरीके से मंचूरियन बनाइए और खूब मज़े से खाइए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।